नमस्कार, मेरा नाम बीना है और आप IVTV देख रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जो कि बिहार की सियासत से जुड़ी हुई है। बता दें कि केसी त्यागी के बयान के बाद बिहार की सियासत तेज हो गई है। केसी त्यागी ने चिराग पासवान को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि जदयू की ओर से चिराग पासवान को ये ऑफर दिया गया है कि वो महागठबंधन में शामिल हो जाए। इसके साथ ही केसी त्यागी ने और भी बहुत कुछ कहा है। इस वक्त की बड़ी खबर जो कि सियासत से जुड़ी हुई सामने आ रही है। दरअसल जदयू ने जमुई सांसद चिराग पासवान को महागठबंधन में आने का ऑफर दिया है। जदयू नेता केसी त्यागी ने बिहार की सियासत को लेकर ये बड़ा बयान देते हुए कहा है कि नीतीश जी, रामविलास जी, शरद यादव जी, लालू यादव जी सब एक ही परिवार के सदस्य है। उन्होंने आगे कहा है कि 40 साल हम लोगों ने इकट्ठे काम किया है। रामविलास जी अब हमारे बीच नहीं रहे, उनकी विरासत को चिराग जी आगे बढ़ा रहे हैं। हमें बहुत प्रसन्नता होगी अगर नीतीश कुमार की अगुवाई में जो गठबंधन बिहार में चल रहा है उसमें तेजस्वी यादव है, अगर चिराग पासवान भी उसमें एंट्री होती है तो बहुत ही स्वागत योग्य कदम होगा। केसी त्यागी ने कहा है कि इफ्तार पार्टी में चिराग पासवान का आना अचंभे की बात नहीं है। जो जानकार हैं वो समझते हैं कि सबसे बढ़िया रोजा इफ्तार रामविलास पासवान जी दिया करते थे। उन्हीं के सुपुत्र चिराग पासवान हैं। अगर उनमें से जिसे समाजवादी परिवार या जनता परिवार कह सकते हैं, लालू जी, नीतीश जी, रामविलास जी इकट्ठे रहे हैं, यह सुखद क्षण हमारे जैसे लोगों के लिए होते हैं। आपसी कटुता मतभेद भुलाकर ऐसे कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं। मैं चाहता हूं कि आपसी सामंजस्य और तालमेल का और मिलन कार्यक्रम निरंतर चलता रहे। तो देखिए, इस तरह की बातें जदयू के पूर्व राज्यसभा सांसद और एक वक्त में महासचिव रह सकते हैं, राष्ट्रीय महासचिव थे केसी त्यागी। ऐसे में देखिए, जदयू के पूर्व राज्यसभा सांसद केसी त्यागी ने एक बड़ा बयान दे दिया है जिससे बिहार की सियासत अब तेज हो गई है। लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि एक तरफ इफ्तार पार्टी जो कि नीतीश कुमार के द्वारा दी गई थी उसमें चिराग पासवान शामिल नहीं होते हैं, वहीं 9 अप्रैल यानी कि बीते रविवार को चिराग पासवान तेजस्वी यादव के इफ्तार पार्टी में शामिल होते हैं। और ऐसे में देखिए कि इस इफ्तार पार्टी के बाद केसी त्यागी का एक बड़ा बयान आया है और उन्होंने ये कहा है कि चिराग पासवान को जदयू की ओर से ये ऑफर दिया गया है। बहरहाल अब तक इस पर चिराग पासवान का कोई भी रिएक्शन सामने नहीं आया। बता दें कि चिराग पासवान मोदी के काफी करीब माने जाते हैं और वो लगातार बिहार में बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे में देखिए कि केसी त्यागी के बयान से एक बार फिर बिहार की सियासत गर्म हो गई है। आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट के जरिए हम तक दीजिए। इसके साथ ही अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और ऐसे अन्य तमाम खबरों के लिए बने रहें IVTV के साथ। धन्यवाद। टफकॉन XT600 HCR TMT रिबा, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ टफकॉन XT के साथ।